नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों निकल के आ रही है। 50,000 पद को करने को लेकर और इसी के साथ दोस्तों BEd बाहर करने को लेकर आप सबके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। और शिक्षा मंत्री BD कल्ला के द्वारा दोस्तों आज शिक्षा संकुल में बैठक हुई है, जिस पर कि दोस्तों रीट को लेकर बहुत बड़ा ऐलान दोस्तों उन्होंने किया है। क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। साथ में दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान रीट के छात्र हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रीट से संबंधित पल पल की अपडेट दोस्तों मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रीट में दोस्तों टोटल अगर मैं बात करूं यहां पर पदों की, तो पद अभी 31,000 पद हैं, लेकिन दोस्तों अब इन पदों में दोस्तों आपकी बढ़ोतरी होकर 50,000 पद किए जा सकते हैं। इसके संकेत आज दोस्तों BD कल्ला ने दोस्तों शिक्षा संकुल की मीटिंग में दिए। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री BD कल्ला पहुंचे शिक्षा संकुल, शिक्षा अधिकारियों के साथ लेंगे महत्वपूर्ण मीटिंग। CMHO नरोत्तम शर्मा भी इसमें मौजूद रहे दोस्तों, और मीटिंग में जो फैसला है दोस्तों वो आपका जो संकेत दिए हैं कि रीट में पदों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 39,000 पद की अपडेट थी, हालांकि स्टूडेंट 50,000 पर अड़े हुए हैं। दोस्तों राजस्थान शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि रीट लेवल फर्स्ट में आज दोस्तों हाईकोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। दोस्तों जोधपुर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई हुई। पूरी खंडपीठ में फैसला भी सुरक्षित रखा है, कल यानी कि गुरुवार को कोर्ट सुनाएगी फैसला। जी हाँ दोस्तों, कल आपका फैसला आ जाएगा। कितने बजे आएगा दोस्तों, तो हम लाइव रहेंगे दोस्तों 10 बजे से 11 बजे के मध्य में आपका फैसला आएगा। BEd अभ्यर्थी की ओर से अधिवक्ता ने रखा है पक्ष, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता MS सिंघवी ने रखा पक्ष, BSTC अभ्यर्थी की ओर से विज्ञान सावा अन्य अधिवक्ताओं ने इसको लेकर पक्ष रखा था। वही दोस्तों पेपर आउट को लेकर शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने आज बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हालांकि दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो कोर्ट के आदेश के अनुसार द्वारा आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट के अगर आदेश आते हैं तो दोस्तों द्वारा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों नई भर्ती को लेकर उन्होंने बताया है कि 60,000 पदों को लेकर जो 22 के अंत तक आपकी प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों 110 से 125 के मध्य आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। अगर पद बढ़ते हैं, 50,000 पद होते हैं दोस्तों, तो इनमें गिरावट भी देखने को मिलेगी कट ऑफ में। एक्सपर्ट की माने तो इस बार औसत तौर पर दोनों लेवल में 110 से 125 अंकों तक आपकी कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान में 31,000 से बढ़ाकर 50,000 पद करने को लेकर। यही दोस्तों आपकी जो बोनस अंक और रिजल्ट द्वारा जारी करने को लेकर 3 दिसंबर को सुनवाई होगी। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रश्नों के उत्तर जो सही हैं उनको सही नहीं मानते हुए गलत उत्तर को सही माना गया है, इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाणिक पत्रों से जो उत्तर दे रखा है उसका सही माना नहीं गया है। अधिवक्ता ने इस कोर्ट में इसकी जाँच की विशेषज्ञ कमेटी बनाने का आग्रह किया है दोस्तों, और इसको लेकर रिजल्ट द्वारा जारी किया जा सकता है। ये भी अपडेट है। हालांकि जो है बोर्ड का कहना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का DP जारोली जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि रिजल्ट उन्हीं का द्वारा जारी किया जाएगा जिनके रिजल्ट में गड़बड़ी है, सभी का रिजल्ट द्वारा नहीं आएगा। और दोस्तों BEd लेवल फर्स्ट से बाहर होगा। जी हाँ दोस्तों, BEd लेवल फर्स्ट से बाहर होने की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। अंतिम फैसले पर दोस्तों कल मोहर लग जाएगी। 120 130 वाले कितने स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो लगभग 110 से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट का हमारा जो सर्वे है, जिसमें कि अगर आप देखोगे दोस्तों तो 110 से 130 वाले जो कॉलम में दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और वो हैं दोस्तों लगभग 64%। दोस्तों आपकी औसत कट ऑफ भी उतनी ही रहेगी आपकी लगभग, क्योंकि 100 से कम हैं। 11% स्टूडेंट ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने 130 नंबर बताए 50,000 में से। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि कितनी यहाँ पर दोस्तों आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, तो जो मिनिमम कट ऑफ देखने को मिलेगी दोस्तों वो यही देखने को मिलेगी लगभग 110 से 125 के मध्य। L1 की थोड़ी हाई चली जाएगी, 127 तक जाएगी। तो आपका दोस्तों सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, जितने भी स्टूडेंट दोस्तों 110 से 125 में हैं उनके चांसेस बनेंगे। ST कैटेगरी से लेकर जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों, और आपकी अन्य दोस्तों कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ आपको आप अपने हिसाब से देखने को मिलेगी। विज्ञप्ति कब आएगी, तो विज्ञप्ति में दोस्तों कल आपका कोर्ट का फैसला आ जाएगा, इसके बाद लगभग 26 से 27 नवंबर तक विज्ञप्ति आ जाएगी। फाइनल विज्ञप्ति आने के बाद दोस्तों आपको जिसमें आवेदन है दोस्तों वो करना होगा, और उसके सर्टिफिकेट भी आपके जारी हो जाएंगे दोस्तों, और ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करूँ तो वो दिसंबर तक जारी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों, रीट को लेकर जो भी अपडेट आती रहती है मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। और राजस्थान रीट शिक्षा भर्ती की दोस्तों अभी फिलहाल में दोस्तों BEd का मामला है दोस्तों, वो कल निपट जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपकी जो है विज्ञप्ति जारी करके भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।